हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं, विच आर वेरी मच नेसेसरी फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, बीआर अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या हम कह सकते हैं वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑल्सो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय होम। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, एम एन रॉय। सो एम एन रॉय, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आवाज़ उठाई थी या सिंपली बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द असेंबली विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को और फाइनली इसको इन्फोर्स करा था 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम। सो वही क्वेश्चन आ गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इट केम इन टू इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक हाउ मच टाइम टू फाइनली कम्प्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, 2 years, 11 months, and 18 days was the time period which was taken by the members of the Constituent Assembly in order to complete our constitution. Next question, the first linguistic state of Andhra, yani ki Andhra Pradesh, come into existence on. Right answer ho jayega yahan par option number D, यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश इट वॉज क्रिएटेड एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। हियर इट शुड बी केम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी वी मावलंकर। ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ आर लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन विच डेट। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट जो मीटिंग थी वो हुई थी और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब डिवाइड नहीं हुई थी। आफ्टर दैट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। वन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री एंड सेकेंडरी वन वॉज फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यूके। यानी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लोजली रिलेटेड है या फिर सिमिलर है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए, प्रीएम्बल इट इज़ मेनली द प्रीफेस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है प्रीएम्बल के बारे में। तो देखिए, जो प्रीएम्बल है इसमें कुछ सर्टेन वर्ड्स को ऐड किया गया था। हमें बताना है कि ये कौन कौन से वर्ड्स थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इन्हें ऐड किया गया था। ये 1976 में हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, दीज थ्री वर्ड्स वर एडेड टू आर प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 356 के अंडर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट इमरजेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसर्शन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल इज डराइव्ड फ्रॉम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो मेनली ये टर्म्स हैं ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ऐड किए गए हैं टू आर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच वॉज स्टार्टेड ऑन 14th of July 1789, यहीं से जो ये टर्म्स है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आए हैं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज मेनली कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ दीज वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द फॉरनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट हम इसे कह सकते हैं जो किसी भी फॉरनर को हमारी कंट्री में अवेलेबल है, राइट टू लाइफ, एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिफाइंस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 14 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ. देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, यानी कि लॉ जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, लॉ इज सेम फॉर एवरीवन एंड नो वन इज़ अबव द लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द लैकेटिव मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड्स वॉज चेंज्ड टू लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन विच ईयर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 में जो लक्षद्वीप के ये ओल्ड नेम्स दिए हमें, लैकेडिव, मिनिकॉय, अमिनदीवी आइलैंड्स, इनको चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया था. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, 5 years. तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो ऑफिस का टर्म होता है दैट इज़ ऑफ 5 years. अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा इज. तो इंडिया में जो लोकसभा है उसके लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 years. तो 25 years इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन टू स्टैंड इन द लोकसभा इलेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी. तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, मीडिया. तो मीडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर हम कह सकते हैं, या ई स्टेट कह सकते हैं, ऑफ डेमोक्रेसी. इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द अदर 3 स्टेट्स ऑफ द डेमोक्रेसी एंड मीडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट एक्ट. तो देखिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी, अर्लियर वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स, बट एट प्रेजेंट वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, जिसको अब रिमूव कर दिया गया है. हमें बताना है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इसे रिमूव किया. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटाया गया था. ये आपने याद रखना है. सो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द राइट आंसर, और ये 1978 में हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंट. जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं इंडिया में. अगर हम बात करें करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो करंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार. सो राजीव कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आर कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दिस फंडामेंटल राइट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच लेड डाउन द मेन ऑब्जेक्टिव टू गाइड द डेलिबरेशंस ऑफ द असेंबली वॉज मूव्ड बाय. सो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट वॉज लेड डाउन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया इज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 years. तो 18 years ये मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है इंडिया में किसी वोटर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the minimum permissible age for employment in any factory or mine in our country? राइट आंसर हो जाएगा 14 ईयर्स. सो ऑप्शन नंबर बी 14 ईयर्स विल बी द राइट आंसर. तो इंडिया में 14 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे ही फैक्ट्रीज और माइंस में काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ द वर्ड हरिजन एंड रिप्लेस्ड इट विथ अनुसूचित जाति इन द ऑफिशियल वर्क. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fundamental duties were incorporated in the Indian Constitution in which year? Right answer हो जाएगा इस question के लिए option number B, यानी कि 1976 में इंडिया ने adopt कर ली थी fundamental duties. ये आपने याद रखना है. एक होती है fundamental rights which are given to the citizens of the country by the government. दूसरी होती है fundamental duties जो हमें दी जाती हैं to respect our constitution, to respect our national emblems like that. तो fundamental rights हमारी protection के लिए दी जाती हैं और in return हमें fundamental duties को follow करना चाहिए. If we talk about fundamental duties, so currently we have 11 fundamental duties. तो 1976 में इन्हें constitution में add कर दिया गया था. Earlier there were only 10 fundamental duties, but after the 86th Amendment Act of our Constitution, which happened in the year 2002, हमारी 11th fundamental duty को add कर दिया गया था. तो current में हमारे पास 11 fundamental duties हैं. और अगर हम बात करें इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट जो ये कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, यानी रशिया से हमने मेनली इसे अडॉप्ट किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हैज़ बीन बोरोड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन. तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, जिसमें पावर्स को यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया गया है, वी हैव अडॉप्टेड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम ब्रिटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. तो जो इंडिया का फर्स्ट अमेंडमेंट था वो 1951 में किया गया था ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट सिंपली मींस अ चेंज इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years एज वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स. तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये कब हुआ था, 2002 में हुआ था, हमने अभी भी डिस्कस किया. तो इसके अंडर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 to 14 ईयर का जो एज ग्रुप है, यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी, ये बनाया था एज अ फंडामेंटल राइट. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, बट इसके लिए भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड लाइक दैट. और इमरजेंसी के टाइम पर भी हमारे पास सर्टेन फंडामेंटल राइट्स होती हैं जो स्टिल अबॉलिश नहीं की जा सकती, उनके बारे में हम अभी वीडियो में आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स with the rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside of India. Right answer ho jayega option number C, Article 8. So Article 8 deals with the rights of the citizenship of the people jo India ke bahar reside karte hain, yani ki foreign mein rehte hain. Inke liye jo citizenship ke kuch provisions hain wo Article 8 ke andar diye gaye hain. Next question. In which year Uttaranchal was renamed as Uttarakhand. तो उत्तराखंड, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द ईयर 9 November 2000 को एक सेपरेट स्टेट बना था. और उत्तरांचल जो है, अर्लियर उत्तराखंड वॉज नोन एज उत्तरांचल, तो 2007 में इसका नाम बदला था. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. 1 January 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज. इम्पॉर्टेंट बुक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू ने ये फेमस बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ लॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट.
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 101st अमेंडमेंट एक्ट, इट इज़ रिलेटेड टू GST, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ GST ऑन 1st July 2017। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट दिस GST कम्प्लीटली, तो कर्नाटका वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ GST 2018 में उसने किया था। और अगर हम बात करें जो GST है वो कौन सी कंट्री ने फॉर द फर्स्ट टाइम लगाया था वर्ल्ड में, तो फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डू सो इन द ईयर 1954। एंड द फादर ऑफ GST इन आर कंट्री इज अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथराइज्ड टू एक्सटेंड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इन आर कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्लियामेंट हैज द ऑथोरिटी टू एक्सटेंड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर। तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के रिस्पेक्टिव गवर्नर्स ही जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको ओथ दिलवाने में, उनकी ओथ को एडमिनिस्टर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ अ टोटल वोट्स इज रिक्वायर्ड बाय अ पार्टी इन अ स्टेट इन जनरल और असेंबली इलेक्शंस टू बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट और पॉलिटिकल पार्टी, एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए मिनिमम जो वोट्स की रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है इसने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVMs वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, 1982 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें EVMs वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ई स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स और लैंड रेवेन्यू ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है अपने स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन आर कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 66 से रिलेटेड है विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें इंडिया के करंट वाइस प्रेसिडेंट की, तो जगदीप धनखड़ इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 years का टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट का। ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, सो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली हाउ मेनी मेंबर्स वर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 389 मेंबर्स थे ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसकी फर्स्ट मीटिंग 9 नवंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओरिजिनली वी हैड 395 आर्टिकल्स। ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। और अगर हम बात करें कितने शेड्यूल्स थे, तो देयर वर 8 शेड्यूल्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द मैटर्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो मेनली रिलेट करता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें लोअर हाउस की, तो जो लोअर हाउस है उसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है। जो अपर हाउस राज्यसभा है, इसे काउंसिल ऑफ द स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें लोकसभा की, सो काउंसिल ऑफ द पीपल, सॉरी हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, 6 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और लोकसभा के मेंबर्स का टाइम पीरियड 5 ईयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया है जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रशिया, यानी कि USSR, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये USSR का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसे अर्लियर रशिया वॉज कॉल्ड एज USSR, तो तभी मैंने आपको वहाँ पे USSR बताया था। तो USSR से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 63 है, स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज? तो जो इंडिया की लोकसभा है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी 552। तो 552 इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो जो लोकसभा है उसमें 530 मेंबर्स, दे रिप्रेजेंट द वेरियस स्टेट्स, दे बिलोंग टू वेरियस स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। और अगर हम बात करें 20 मेंबर्स की, तो वो यूनियन टेरिटरीज को बिलोंग करती हैं। और बचे हुए 2 मेंबर्स, दीज आर द एंग्लो इंडियंस विच आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री। तो टोटल आपने याद रखना है 552 हो सकते हैं, बट करेंटली हमारे पास 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में, 530 फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 एंग्लो इंडियंस। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स कैन नॉमिनेट, आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक रख लीजिए, मेंबर्स टू द राज्यसभा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा, और लोकसभा में 2 मेंबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर अ सीट वैकेंट इफ अ मेंबर एब्सेंट्स हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन फॉर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डेज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 562। तो 562 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में 584, 582 समथिंग मेंशन किया है, बट 562 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आउट ऑफ विच 559 प्रिंसली स्टेट्स दे डिसाइडेड टू जॉइन इंडिया। अगर हम बात करें उस टाइम की सबसे बड़े प्रिंसली स्टेट की, तो हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट एट द टाइम। हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, ये आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी वॉज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इट वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट विच वॉज पास्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच नेशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो जो जापान का पार्लियामेंट है उसे डाइट के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इंडिया के पार्लियामेंट की, तो इंडिया के पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज रखना है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर आता है ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्सेज इज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ द सुप्रीम कमांडर ही और शी इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेज। करेंट में अगर हम बात करें हमारे प्रेसिडेंट की तो हमारी प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मिनिमम ईयर ऑफ एज फॉर अ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी 35। तो 35 इज़ द मिनिमम परमिसेबल एज या फिर हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली वॉज मेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 69th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो दिल्ली है उसको इंडिया की जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और अगर हम बात करें 69th अमेंडमेंट एक्ट की तो ये 1991 में पास किया गया था। आपने ये भी याद रखना है अंडर दिस दिल्ली शैल बी कॉल्ड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये आपने याद रखना है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेंट में बात चल रही है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 शेड्यूल्स है करेंट में। अगर बात करें ओरिजिनली तो ओरिजिनली इंडिया हैड 8 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग या फिर हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नीलम संजीवा रेड्डी ये बने इंडिया के प्रेसिडेंट विदाउट बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इनके अलावा के आर नारायण बी वी गिरी एंड जाकिर हुसैन दे ऑल वर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आर कंट्री एज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी इंडिया दैट इज़ भारत। सो भारत इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ अ कंट्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द बिल्स ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू आर द फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू और बिल ऑफ राइट्स को भी अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ यूनियन टेरिटरी बिफोर इट वॉज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि सिक्किम। सो अर्लियर सिक्किम वॉज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा देखिए बिफोर बींग द स्टेट तो एज वी नो दैट सिक्किम इज़ द वन ऑफ द स्टेट ऑफ अ कंट्री विच इज़ ऑल्सो द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द कंट्री जहाँ पे प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश था मणिपुर और त्रिपुरा दीज आर ऑल्सो द स्टेट्स ऑफ द कंट्री बट अर्लियर दे वर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द आर कंट्री और लेटर ये स्टेट्स में कन्वर्ट हुए बट सिक्किम अमंग दीज इज द ओनली स्टेट विच वॉज ओनली अ स्टेट मतलब वो बना डायरेक्ट स्टेट ही। Earlier it was not a union territory simply. Next question which of the following president of India was the only person to be elected unopposed. Right answer ho jayega iske liye option number C yani ki 6th president. To jo hamari country ke 6th president the he was the only president jinko इलेक्ट किया गया था अनअपोज्ड। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे तो राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। हमने अभी डिस्कस किया था द ओनली प्रेसिडेंट हु बिकेम प्रेसिडेंट विदाउट बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। हमने जो पीछे ऑप्शंस थे उनमें से नीलम संजीवा रेड्डी वॉज द पर्सन एंड ही वॉज ऑल्सो द वन हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑफ द फॉलोइंग was the chairman of the special committee to examine the draft constitution of India. तो right answer हो जाएगा इसके लिए option B sir Aladi Krishna Swami Iyer। तो sir Aladi Krishna Swami Iyer ये chairman थे of the special committee जिसको बनाया गया था to examine the draft constitution। जो India का constitution का draft बना था उसको examine करने के लिए एक special committee बिठाई थी। उसके जो chairman थे वो थे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज अंटिल अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 62 इज द मैक्सिमम एज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप सच इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त. नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब हुआ था, 1951 में हुआ था. इसके अंडर जो 9th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज अ फंडामेंटल राइट. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, आर्टिकल 19 के अंडर इट वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट दैट मेकिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मेकिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वॉज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट हैज़ टू बी साइंड बाय. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि प्रेसिडेंट का साइन होना ज़रूरी होता है इन अ बिल विच इज़ पास इन द पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2003 में NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ये हुआ था. द एज ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 to 62. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, नो बार. सो देयर इज नो सच बार फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम अ प्रेसिडेंट इन इंडिया. सो देयर इज नो सच बार फॉर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लिश. सो इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज विच इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टू हाउ मेनी पार्ट्स हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन डिवाइडेड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 पार्ट्स में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स रिटायर फ्रॉम राज्यसभा एवरी सेकेंड ईयर. राइट आंसर हो जाएगा 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर रिटायर्ड एवरी ईयर इन राज्यसभा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अबॉलिश्ड. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी अबॉलिश्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पंचायती राज सिस्टम द पंचायत समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट विच लेवल. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि ब्लॉक लेवल में जो पंचायत समिति है इट वर्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया देयर इज, तो हमें बताना है कैसी पार्टी सिस्टम है हमारी कंट्री में. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी पार्टी सिस्टम इट इज फॉलोड इन आर कंट्री इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, एस वी कृष्णमूर्ति राव वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजिस्लेचर हैविंग टू हाउसेज इज नोन एज. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइकैमरल. तो ऐसा लेजिस्लेचर जिसमें टू हाउसेज होते हैं उसे बाइकैमरल कहते हैं. और इंडिया ने जो ये लेजिस्लेचर का फॉर्म है, इंडिया का बाइकैमरल है और इंडिया ने अडॉप्ट किया है इसे ब्रिटेन से. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. हुज स्टेटमेंट इज इट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन की ये स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द एडवोकेट जर्नल इट इज द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वुमेन
were elected in the first Lok Sabha elections. First Lok Sabha elections 1951 में हुए थे, और कितनी women elect हुई थी इसमें? Right answer हो जाएगा option A, यानी कि 22 women they were elected in the first Lok Sabha elections. Next question, name the chairman of the committee on whose recommendations Panchayati Raj system which two tiers was introduced in India. Right answer हो जाएगा option B, अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन में पंचायती राज सिस्टम को स्टार्ट किया गया था विथ हैविंग द टू टीयर्स. अगर हम बात करें विच वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस पंचायती राज सिस्टम, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड अनअपोज्ड. So I think we have discussed this question. Option C will be the right answer. And Sanjeeva Reddy was the president of a country who was elected unopposed. Next question. A judge of a high court can resign from his or her office by writing to whom? Right answer ho jayega option number C, yani ki the president of India. To jo high court ke judge hain wo resign kar sakte hain, but unko apna office, apna resignation letter wo president of India ko dena padta hai. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वॉज. देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन. बिकॉज जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो मेनली चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो जो राज्यसभा है उसके चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द ईवीएम्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शंस टू द असेंबली. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि गोवा में फॉर द फर्स्ट टाइम ईवीएम्स का यूज किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, In the first general election to the Lok Sabha in 1952, mainly यहाँ पे 1951 में होना चाहिए, 1951 में इंडिया के जो जनरल elections थे ये हुए थे. How many national parties were contested? तो कितनी parties ने national elections को contest किया था? Right answer हो जाएगा option B, यानी कि 14 parties ने contest किया था 1951 का first general election. तो मेनली जो इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे ये 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फेब 1952 के बीच में हुए थे. तो हम यहाँ पे 1951 या 1952 दोनों कह सकते हैं, बट 1951 शुड बी द मोस्ट अप्रॉक्स क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी. सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आपको होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे. सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.